Welcome to Decrypters. Let's decode the markets. I hope you are all doing good. अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि कितनी परफेक्शन से यहाँ पे काम होता है और मार्केट की कंडीशंस जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत बेहतर काम हो रहा है रिलेटिव टू अदर्स. तो सिंपल करना क्या होता है, आपको वीडियो आपने देखनी होती है और उस हिसाब से आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है. जो भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए यह बात है और जिनको ट्रेडिंग नहीं आती या थोड़ा बहुत बेसिक आता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. वीडियो आपने एंड तक देखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें रहेंगी, ठीक है. और एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि इस वीडियो के बाद मैं कुछ देर बाद एक वीडियो और प्रीमियर करूँगा या उसको शेड्यूल करूँगा, आई विल सी. बट वो फ्राइडे से पहले इंशाल्लाह आपको अपलोडेड मिलेगी, 3-4 घंटे पहले एटलीस्ट आपको अपलोडेड मिलेगी. तो वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, ठीक है. उससे फ़ायदा ही होगा, आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी. ट्रेड मिले ना मिले वो अलहदा बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ जो है, अभी रिसेंटली ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है. अगर आज भी आप देखें तो फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आज भी ऐसा कोई मेन न्यूज़ नहीं है, ठीक है, रिगार्डिंग डॉलर. तो इसके अंदर क्या है कि रिसेंटली हमारे पास एक फेड बॉस्टे की एक स्पीच थी, ठीक है, जो कि बेसिकली सीपीआई से पहले थी. और उसके ये कमेंट थे कि जी हमें और डाटा जो है ना वो चाहिए रेट कट के लिए. और जब सीपीआई का डाटा आया तो उसकी स्टेटमेंट ये चेंज हो गई कि हाँ मैं अभी ओपन हूँ सितंबर रेट कट के लिए. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, वही बात है कि रेट कट वाला जो सीन है वो ऑन है और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होंगी मार्केट्स के अंदर. वो भी मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो करूँगा. दूसरा, हमने एक वायरस की प्रेडिक्शन की थी जो अगस्त के महीने के हिसाब से थी. इसी महीने में आपको बताया था कि आपको देखने को मिलेगा हेडलाइन में. तो आपने देखा है कि वो बेसिकली 13-14 अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी वो है, उसके बाद स्वीडन तक भी पहुंचा है, पाकिस्तान में भी आई थिंक 2 केसेज आए हैं, मुझे किसी ने पिक्चर भेजी थी. तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जी मंकी पॉक्स वायरस है तो वो डेडली नहीं है. आई एग्री विद डैट, डेडली नहीं है, फ़िलहाल नहीं है और अभी बेसिकली मकसद भी नहीं है मारना लोगों को. लेकिन मैंने कुछ एक वीडियो में प्रेडिक्शन की थी कि क्या होगा, तो एक वीकली वीडियो थी हमारी, इससे पिछली थी या उससे वो थी, तो वो आप उसको बिल्कुल आप उसमें माइंड में रखना चाहिए, ठीक है. और एक चीज़ याद रखना है कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि न्यूक्लियर जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक है. एक्चुअल में बायोलॉजिकल वेपन्स जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि इसके ऊपर नाम भी किसी का नहीं आएगा. आप ब्लेम ही लगा सकते हैं ना, वो डिनाई कर देंगे, लेकिन न्यूक्लियर तो आपको हर बंदे को पता है ना किसने फायर किया है और इसने किया है. बाकी जो चीज़ें हैं चलें उसके ऊपर, जियोपॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर बाद में थोड़ा सा बात करते हैं सेपरेट वीडियो में. यूएस 10 ईयर्स से स्टार्ट करते हैं, डिक्सी और फिक्स इन तीनों को लेके चलते हैं. यूएस 10 ईयर्स ऑनेस्टली अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है और आज कुछ मेन डाटा भी नहीं है, लेकिन वीकली क्लोजिंग ज़रूर है हमारे पास, तो कुछ वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है. तो मैं इसमें अपना ओपिनियन यही रखूँगा कि अगर ये नीचे जाए ना स्टिल फर्दर, ठीक है, रेदर दैन डूइंग अप टिल हेयर और उसके बाद नीचे, बेटर ये होगा कि ये अभी नीचे जाए, ठीक है, तो काफ़ी बेहतर होगा हम ट्रेडर्स के लिए, ठीक है. और इससे बेसिकली गोल्ड ऊपर जाएगा और बाकी जो मार्केट्स है वो भी आपके पास ऊपर जाने की तवक्को होगी, एक्सपेक्टेशन रहेंगी, ठीक है. अदरवाइज ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जानी है मार्केट, उसको ट्रेड करना यानी कि एक स्विंग ट्रेड निकालना या एक लंबी ट्रेड निकालना ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है. बट इंशाल्लाह वी विल डू इट, जो भी मार्केट में हम उस हिसाब से करेंगे. अच्छा, डिक्सी का फ़िलहाल हम ये हटा देते हैं बिकॉज यहाँ तक मार्केट गई नहीं है. डिक्सी मैंने कल आपको बताया था कि आपके पास ये टीपीज हैं, नीचे भी लगे हैं, स्टिल ये टारगेट ओपन है. तो आई वांट कि डिक्सी इन लेवल्स तक आए, उसके बाद हम थोड़ी सी कुछ मूवमेंट इसके अंदर देखें, ठीक है. बट कल हमारे पास जो है डाटा था वो डाटा बुलिश रहा थोड़ा सा और डिक्सी को उसने शॉर्ट टर्म थोड़ा सा पुश ज़रूर दिया है, ठीक है. अब आप बात को थोड़ा सा नोटिस करो कि कल हमारे पास एक डाटा था जिसने डिक्सी को सपोर्ट किया, लेकिन आज हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है जो डिक्सी को सपोर्ट कर पाए, ठीक है, बुलिश साइड के ऊपर.
तो इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम थोड़ा सा डिक्सी को डाउन साइड के ऊपर देखेंगे और बाकी जो रिलेटिव करेंसीज हैं उनको अपर साइड के ऊपर ही देखेंगे, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, लेकिन ये बात ये है ना कि अगर ये हेड एंड शोल्डर एक बना हुआ आपके पास लोअर टाइम फ्रेम में H1 में या बाकी, अगर ये फेल होता है, और फेल आपको पता है कि हमारे पास जब ये लो टूटेगा तो उसके ऊपर ही फेल होगा, ठीक है, तो जब तक इस लो से ऊपर है तो आप बुलिशनेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ऑल डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। और लंदन सेशंस में आपको एक आधी मूव देखने को मिलेगी, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास GBP का डाटा है रिटेल सेल्स का, और उसके बाद आपको न्यूयॉर्क सेशन में एक आधी मूव देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है बेसिकली दोनों सेशंस के अंदर क्या हमारे पास एरियाज रहते हैं और उस हिसाब से हमें चीज़ को प्लान करना पड़ेगा। तो जो भी कन्फ्यूजन है, अगेन आप फ्री ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, फ्री ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा यस्टरडे यानी कि वीक का जो फोर्थ डे है उसके अंदर कंसिस्टेंट 90% एक्यूरेसी के साथ, अच्छा इसमें सारी ट्रेड्स नहीं है जो प्रॉपर रिपोर्ट होती है, और इसमें प्रॉपर SL भी नहीं है, ठीक है। एक आधी ट्रेड का दो ट्रेड्स के SL इसमें मौजूद नहीं है, और 7 से 8 ट्रेड्स के TPs भी इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। आई थिंक ज़्यादा ही है एंट्रीज जो हैं TPs वाली, बट वो सारा कुछ जो है ना वो वीकली में आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल जो भी जब हम रिपोर्ट बना रहे होते हैं उस वक्त जो भी अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से हम कर देते हैं, ठीक है। ये पिप्स भी आगे पीछे, पिप्स इससे ज़्यादा हैं, ठीक है, पिप्स भी आगे पीछे हैं। तो anyway, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेन मकसद इसमें यह है, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास कम्युनिटी के अंदर अंडर द कम्युनिटी सेक्शन वी डू हैव लर्निंग ग्रुप, ठीक है। ये बेसिकली चैट ग्रुप जो है अवेलेबल है, यहाँ पे आप अपनी डिस्कशन और सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, लर्निंग रिलेटेड और बाकी भी सारा कुछ। उसके बाद हम थोड़ा सा टच करते हैं विक्स को। अच्छा, विक्स कहने में थोड़ा सा ये ड्राइंग हटाऊंगा, थोड़ा सा खिंची विची हुई इसमें, मैं थोड़ा सा ना इसको बेसिक थोड़ा सा एज रिटेल थोड़ा सा मैं इसको टच दूंगा। अच्छा, इसको अगर आप देखोगे ना विक्स को, विक्स आपके पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इससे नीचे मार्केट गई है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर 14 का एरिया सस्टेन कर जाती है ना, ठीक है, 14 का एरिया अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो आपको अच्छी खासी बुलिश मोमेंट देखने को मिलेगी यहाँ से, ठीक है। और विक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है $100 का, ठीक है जी, हाँ $100 अप्रोक्सीमेट टारगेट है, ठीक है, बट मैं राउंड करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि ईजी रहे। ये आपके पास विक्स का टारगेट है। नाउ कंडीशन इसमें यही है कि हमारे पास ये एरिया अगर सस्टेन रहता है तो हम ये टारगेट इसमें देख सकते हैं, अदरवाइज आपके पास अभी जो लो लगा है रिसेंट ये वाला, ठीक है, तो इससे नीचे जो है हम मार्केट को देखेंगे, ठीक है, एक डेविएशन रहेगी और उसके बाद हम एक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास एक आधी मूव यहाँ पे रह सकती है, ठीक है, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे अपर साइड के ऊपर $100, और फिर आई थिंक 100 से भी ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है, ठीक है। तो ये विक्स के ऊपर है, इसके ऊपर नज़र रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। लोगों ने नाम भी हमारी वीडियो से देख के सीखे हुए हैं तो हंसी भी आती है और मस्करियाँ भी आती हैं, एनीवेज, ठीक है। तो ये आपके पास एक वो है। अब हम चलते हैं एरो के ऊपर, जियो के ऊपर। देखो एरो जियो में स्टेज में ये कहूँगा, एरो के अंदर बड़ी अच्छी मूवमेंट आई है, मूवमेंट उस हिसाब से नहीं आई। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं जी आपने वीडियो में ट्रेड दिया है और उसको आप देते नहीं हैं, इनिशिएट नहीं करते। देखिए हमारा काम है वीडियो बनाना, ठीक है, अगर हम हर चीज़ लिखी हुई दे देंगे तो वीडियो कोई नहीं देखेगा, वीडियो में नहीं बताएंगे तो ठीक है। मसला ये है कि हमने दोनों काम करने हैं, ठीक है, ऑनेस्टली आपको बताऊं तो जो चीज़ यहाँ पे बताई है उसका उसके ऊपर पूछना आपका काम है। डिस्कशन ये चैट ग्रुप होता ही इसीलिए है कि आप वहाँ पे पूछें, ठीक है, अदरवाइज दिन की मेरे ख्याल से एक ट्रेड दो ट्रेड या तीन ट्रेड भी आ रही हैं तो आवर जॉब इज़ डन, ऑनेस्टली बात है। ये तो हम ट्रेड ज़्यादा दे रहे हैं ना, लेकिन कि 5 से 10 सिग्नल 15 सिग्नल भी आपको दे देते हैं, ठीक है, 80% एक्यूरेसी के साथ 90% एक्यूरेसी के साथ। तो कहने का मकसद ये है, दिन के आप अगर बाकी ग्रुप्स देखते हैं 2-3 सिग्नल्स मैक्सिमम ऑफ द ग्रुप्स ही काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें भी एक्यूरेसी उनकी कम आ रही है। तो हम क्वालिटी भी दे रहे हैं आपको, क्वांटिटी भी दे रहे हैं और डिफरेंट टाइम में दे रहे हैं। अगर किसी से एक ट्रेड मिस हो जाती है तो वो बाकी दूसरे में भी अपॉर्चुनिटी उसके पास मौजूद है। तो एनीवे, देखिए मार्केट है, रिस्क लेना है इसमें, अभी
स्टिल मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको यूरो दोबारा ऊपर वाली साइड के ऊपर मिलता है सेम एरिया, ठीक है, इंक्लूड ये पहले मैंने एस एल लगाया बताया था, तो अब इस एस एल को भी आप एंट्री इंक्लूड करके इसे 30 पिप्स के ऊपर का एस एल रख के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थ्रो करता के ये एस एल नहीं है, आप ये आपके पास एंट्री ही आती है, ठीक है, ये पूरा लेवल आपके पास एंट्री है। पिप्स वाइज भी इसमें कम है, ठीक है, टोटल 30 पिप्स बन रहे हैं। तो थोड़ा सा ऊपर वाली साइड के ऊपर मूवमेंट स्टिल एक्सपेक्टेड रहेगी, ओवरऑल स्टिल बेरिश है। जी बी पी यू एस टी फर्दर आपके पास रैली कर सकता है, ठीक है, और हमारे पास इसका डाटा भी है, फर्दर भी ये रैली कर सकता है। इसके अलावा जी बी पी यू एस टी यूरो यू एस टी, इसमें से यूरो यू एस टी जो है ना थोड़ा सा वीक है रिलेटिव टू जी बी पी, ठीक है, और उसकी वजह ये है कि हमारे पास अभी इसका डाटा इनकमिंग है उसी वजह से, ठीक है। बाकी आप यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना 0.18% वर्सेज 0.11, जो आपको ये सिर्फ ये परसेंटेज ही शो करा देता है कि ये फिगर इससे बड़ा है, ठीक है, या इसके अंदर स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है, ठीक है। और मूव वाइज भी आप बेसिकली चार्ट के अंदर देख ही सकते हो, तो डिफरेंट चीज़ें रहती हैं इसकी, ठीक है। इसके अलावा करेंसी मीटर के स्ट्रेंथ का भी मीटर होता है, उससे भी आप चीज़ें देख सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं नज़र डालूँ, गोल्ड को मैं आखिर में डिस्कस करता हूँ। ये ट्रेड अच्छा मैंने आपको लाइव ही दी थी, ठीक है, और अब मैं ये कहूँगा कि भाई एवरी वन इज़ बुलिश ऑन नैस्डैक। 10-10 एंट्री हमने कराएंगे नैस्डैक के अंदर, 10 इसके अंदर, 4-5 S&P 500 के अंदर, US 30 के अंदर, HK 50 के अंदर बाय, German 40, ठीक है। और मैं मेरा क्वेश्चन यही होता है कि यार देखो जब मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे तो आप बाई करते नहीं हो, यहाँ पे भी आपने बाई नहीं किया, यहाँ पे भी बाई नहीं किया, यहाँ पे आप बाई आके करना शुरू हो जाते हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अगर इधर बुलिश हो रहे हो तो इधर क्यों नहीं बुलिश होते? क्या बेसिक टर्म नहीं है टेक्निकल एनालिसिस की कि सेल फ्रॉम द रेजिस्टेंस, ठीक है, और बाय फ्रॉम द सपोर्ट? तो मेरे थोड़ी सी ना हैरानगी होती है, लोग अभी मेरे से क्वेश्चन इनबॉक्स करके पूछ रहे हैं जी अब हम नैस्डैक को बाय कर लें, अब हम कर लें, भाई अभी आपको कैसे बाय करा दें? हो सकती है अगेन नैस्डैक के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो 19,700 का एक ये गैप मौजूद है, ठीक है, और ये गैप जो है फिलिंग होते हुए आराम से दिख रहे हैं, इसको अगर हम एक्सटेंड करें उसके बाद हम थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अदरवाइज मैंने ऊपर एक मैक्सिमम टारगेट 20,300 का आपको नैस्डैक का बताया हुआ है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं आपको इसमें दूसरे चार्ट में थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देता हूँ, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रीजन से ये चार्ट अच्छा मैंने लगाया हुआ भी है, मैक्सिमम टारगेट मैंने इसको लगाया हुआ भी है, ठीक है। तो ये लेवल्स आपके पास एक एक्सपेक्टेड है, ये आपके पास आ सकता है, और सिमिलरली आपके पास S&P 500 में भी आपके पास ये लेवल मौजूद है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको बेसिकली मेंशन है। तो अभी क्या है नैस्डैक के अंदर मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा डिप देख सकते हो आप, ठीक है, जो मैंने आपको एरिया कोट किया है, और यहाँ से आप थोड़ी सी डिप जो है ना एक्सपेक्टेड रहेगी। और स्विंग सेलिंग में ऑलरेडी जो है 19,500 के पास एवरेज एंट्री में डाल चुका हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है अभी मार्केट में 600 से शॉर्ट करूँ या 700 से शॉर्ट करूँ, ठीक है, मेरे लिए 500 से 700 एक ही बात है, ठीक है। अब आपके अपने पोर्टफोलियोज पे बेसिकली डिपेंड करता है, जिनके पोर्टफोलियोज छोटे होते हैं वो जो कम वोलेटाइल पेयर है जैसे कि S&P 500 उसमें ट्रेड कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेड से वो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक सी नॉलेज है, बेसिक सी वो है। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर, ठीक है, गोल्ड जो है वो अगर आप देखोगे, अच्छा इसको हम हटा देते हैं, गोल्ड अगर आपको याद हो मैंने लाइव के अंदर आपको सेलिंग कराई थी, ठीक है, हर बंदा बाय बाय आपको बता रहा था, सेलिंग आपको लाइव में कराएगी, लोगों ने अपने चैनल्स में भी ट्रेड चलाई, अपनी लाइव स्ट्रीमों में भी चलाई, ठीक है, यहीं से देख के सारा कुछ। तो कहने का सिंपल एक वो है, इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब आपको मैं कुछ इसमें चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप H4 में देखें ना, H4 में हमारे पास ये एक रेंज बनी है, और मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि रेंज के बाद हमेशा रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है, मल्टीपल दफ़ा आपको मैंने लाइव स्ट्रीम और मल्टीपल एजुकेशनल सेमिनार्स में, एजुकेशनल जगह पे आपको मैंने ये बात बताई हुई है, ठीक है। तो एक बात होता है कि यहाँ पे हमारे पास रिट्रेसमेंट ही है, ठीक है, प्राइस कभी भी रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल नहीं देगी, ठीक है, लेकिन टाइम फ्रेम का आपको नॉलेज होना चाहिए, टाइम फ्रेम के नॉलेज के बगैर ये चीज़ इरेलीवेंट है, ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा अगर आप देखोगे हमारे पास H1 का M30 का स्ट्रक्चर, वो आपके पास थोड़ा सा बुलिश हुआ है, स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमारे पास इससे ऊपर बारल क्लोजिंग जो है वो थोड़ा सा फ़ायदा आपको देगी। गोल्ड के अंदर मैं थोड़ा सा अगर ये जाऊँ आपके पास H4 के चार्ट के अंदर ही, मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ,
कि मार्केट में हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से, ताकि हम थोड़ा सा चले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे कर्व थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। ये अगर आप कर्व देखोगे, और उसके बाद अगर हम इसी को यहाँ पे रेप्लिकेट करें, ठीक है, छोटी उसके साथ लेंथ के साथ, ठीक है, और इसी को हम दोबारा अगर यहाँ पे रेप्लिकेट करें तो कुछ इस तरह का हमारे पास बन रहा है, ठीक है, सेटअप। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये चीज़ पॉसिबिलिटी है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और फर्दर में आपको इसको मैं अगर इसमें एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है। अब ये तीन जो बेसिकली कप्स बने हुए हैं ना, ये आपके पास डबल बॉटम और फिर आपके पास हैंडल बना है, ठीक है। और ये बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास एक ही कप बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो बहरहाल, ठीक है, अपने चार्ट्स के अंदर इसको देख सकते हो। अच्छा, पैरेलल चैनल में इसमें देख रहा था, पैरेलल चैनल को अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे पास एक ये फॉर्मेशन भी बन रही है, ठीक है। और बेसिकली जो हैंडल होता है वो आपके पास रिट्रेसमेंट ही होती है, और इसी तरह आपके पास जो फ्लैग्स होते हैं वो भी रिट्रेसमेंट ही होते हैं। तो इस तरह की मूव भी कुछ एक्सपेक्टेड है, बट ओवरऑल स्टिल हम बाई साइड के ऊपर हैं, ठीक है। ओवरऑल हम स्टिल बाई साइड के ऊपर हैं। अब मेरी जो पर्सनल बाइंग हमने कल ग्रुप में भी किया है, 24 जो है, अच्छा 24 32 से और 35 से, 38 से, 45 से, तीन चार बाय मेरी पर्सनल है, ठीक है। और ग्रुप के अंदर भी जो है दो तीन बाय मैंने उसमें वहाँ पे कॉल दी हुई है। गोल्ड की आज की जो रेंज है इसको भी देख लेते हैं, वो 2423 से लेके 2485 तक है। शाम में आपको इसकी क्लोजिंग भी बता दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इशू ये है कि ये जो आपके पास रिट्रेसमेंट है, ठीक है, मैंने आपको एक उसके दिन जब मैंने आपको लाइव में सेलिंग कराई थी तो मैंने आपको ये एरिया एक मार्क करवाया था, ठीक है। इस एरिया को हम थोड़ा सा ऑरेंज टाइप कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, हाँ इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो मार्केट अब जब तक इस सपोर्ट के नीचे है ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और गोल्ड जो है ना थोड़ा सा बेरिश रहेगा। सिल्वर के हिसाब से भी अगर आप देखें, गोल्ड वर्सेस सिल्वर रेशो भी आप देखें, उस हिसाब से भी गोल्ड थोड़ा सा बेरिश रह सकता है। और ये चीज़ या ये सिनेरियो बेसिकली इस तरीके से भी प्ले हो सकता है, ठीक है। और 23 का जो लेवल है वो भी आपके पास क्या बनता है, आज की डेली रेंज का लेवल भी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लुएंस यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे ना, अनफॉर्चुनेट इस चार्ट के अंदर नहीं लग रहा, तो दूसरे चार्ट के अंदर ट्राई करते हैं। बेसिकली ये ब्रोकर का इशू होता है, कुछ लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। बहरहाल ये वही लेवल है जो मैंने आपको दूसरे चार्ट में दिखाया है, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे लगा हुआ भी है फॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे अब ये वॉल्यूम प्रोफाइल का जो ये रेड लाइन है ना, जिसको NPOC बोला जाता है, यानी कि आपके पास NPOC कह रहा हूँ, POC बोला जाता है आपको पास, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अगर ये लेवल सस्टेन करता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मार्केट्स यहाँ से बुलिश है, हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपके पास लेवल है। लेकिन ये मार्केट अभी यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, अभी भी आप लाइव देखोगे मार्केट इसी लेवल के ऊपर है। तो हमारे पास डिपेंड करता है, अगर हमारे पास इस जगह से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है ना, तो हम डेफिनेटली बुलिश जा रहे हैं। और हम मैंने आपको जो दूसरा सिनेरियो बताया ये वाला, ये हम शायद प्ले होते हुए ना देखें, ठीक है। तो अब हमने ऑलरेडी इसी बाई कर दी थी ब्रेक इवन के साथ है, तो हमें चांस लेना ना, हमें पता है मार्केट ऊपर जा रही है, तो इट डजेंट मैटर अगेन। जैसे मैंने आपको नैस्डैक में बताया, मुझे 200 पिप से मैटर नहीं करता, मैं डायरेक्शन में बैठा हूँ, मेरे लिए वो मैटर करता है, ठीक है। तो ओवरऑल गोल्ड के ऊपर ये है। इसके अलावा काफ़ी लोग जो है वो एडल शोल्डर, वो भी मुझे एक दो बंदों ने बना के भेजे थे, वो इस भाई ये चेक करें कि एडल शोल्डर बना हुआ है, ठीक है इसको। तो अगेन एडल शोल्डर जो है वो इस तरह मिड में नहीं बनता, और अगर प्ले भी होता है तो जो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, बेयर फ्लैग की कप एंड हैंडल और अलॉट ऑफ रीजन्स मैंने आपको जो अदर बताई उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी जो मैं जियो पोलिटिकल की एक वीडियो डालूंगा उसको भी देख लेना। और लास्ट के अंदर मैं एक बात कहूँगा, तो मैंने आपको 19 अगस्त की एक डेट दी हुई है। अब 19 अगस्त की डेट जो है ये आपके पास मंडे बन रहा है, आज फ्राइडे है, तो हमारे पास यही दिन है, ठीक है। तो हाँ, अगर हमें आज डिप मिलती है तो ज़रूर हमें बाय करना चाहिए, लेकिन बाय की एंट्री आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अच्छी एंट्री आपको कल मार्केट ने दी है, ठीक है। ये आपके पास बिल्कुल परफेक्टली बना हुआ है, अगर कोई बंदा इसको भी नहीं ले सकता तो मैं क्या बात करूँ, ठीक है। तो एनीवे, आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और स्पेशली हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें हैं, जो हमारी फंडामेंटल की टॉप नॉच एनालिसिस हैं, ठीक है। हम डाटा भी बताते हैं, यानी कि मूव इधर जाएगी उधर जाएगी, वो ठीक है, हम डाटा भी बताते हैं इतना इतना आएगा, ठीक है। तो ये काम बेसिकली बड़े बड़े हेज फंड्स का, बैंक्स का है।
लास्ट में अगेन रिमाइंड कराता है जिन्हों जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको लाजमी देख लेना, और जो मैंने चीज़ें गोल्ड रिलेटेड स्पेशली बताई हैं उनको अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। लेवल्स अपने चार्ट पे मार्क कर लें तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Decrypters. Join us for more.